और मैंने चार घंटा लगाई बहुत तेज। देखो गाइस तो मैं कैसे आटा मार रहा हूँ। ये गाइस की भिंडी की चटनी बनाई गाइस। कोई भी चैनल हो गाइस सब्सक्राइब कर दो। तो हे गाइस एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रोहित ब्लॉग्स पर। और आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मैं इतने तेज़ी से मतलब अच्छे से बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मेरी ज़्यादा ही तबीयत डाउन हो गई थी रात में कल। तो सुबह सौरभ और दुर्गेश आए मेरे को लेने और लेके सीधे अस्पताल लेके गए, वहाँ पास मेरी दवाई करवाई। दवाई करवा के मैं सीधे सौरभ अपने घर लेके आ गया, बोले बैठ यहीं पास आराम कर। और फिर मतलब घर में कोई नहीं था, सौरभ की नानी भी छतरपुर गई थी और अंकित भी छतरपुर गया है। तो हम लोग चारों लोग मतलब दुर्गेश सौरभ मनीष और मैं चारों लोग रुके थे और अमन भी बैठा है पीछे, तो पांच लोग। तो बोले भाई कुछ बनाया जाए खाया जाए यहीं पास, फिर आराम से निकल जाएंगे घर हम भी। तो बस यहीं पास हम लोग मतलब मैगी बनवाई, कुछ बनाने के लिए था ही नहीं। तो अगली बार मतलब तीन चार दिन पहले ही मतलब हम लोग ने मैगी बनाई थी, तो मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बना पाया था, लेकिन इस टाइम बना रहा हूँ। पिछली बार तो मैंने आटा तक मारा था, लेकिन इस बार भी मारना पड़ेगा, लेकिन इस बार मनीष मारेगा आटा, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं हम लोग कैसे क्या बनाते हैं चारों भाई भाई लोग, और बना के खाते हैं और आप लोग को भी पूरा वही बताते हैं हम लोग कैसे क्या मतलब मिल बांट के बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो ऐसे ही आज मैं सौरभ के यहाँ रुका हुआ हूँ, सौरभ में जो लेके आ गया था दवाई करवाने के बाद, चलिए तो बताते हैं। तो ये सौरभ का घर है, अभी अभी नया बना है, अभी पुट्टी उट्टी नहीं हुई है। और ये भाई किचन है। तो ये देखो सौरभ, सौरभ हेलो बोल दो ऑडियंस को। हेलो गाइस। प्याज और टमाटर काटे जा रहे हैं और ये कढ़ाई में भाई तेल वेल लगा है। ये मैगी रखी है, उबेल के रख ली इसको मैगी को, अब बनेगी। तो देखो आप लोग को दिखाते हैं कैसे क्या बनाते हैं और कैसे क्या खाते हैं, ठीक है। How careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. तो गाइस देखो मुझे आटा मारना पड़ेगा अभी। पिछली बार भी मैंने मारा था, देखो भाई लोग के साथ रह के सब करना पड़ेगा। वैसे कभी आटा मारता तो नहीं हूँ, घर में मैंने कभी नहीं किया। ये मनीष इसमें आटा हो गया, यहाँ पास आटे वाली बोरी रखी थी। उतने अच्छे तरीके से तो नहीं बनता आटा मारते, वैसे कभी मारा नहीं, लेकिन ऐसे मार लेते हैं जैसा भी बन जाता है वैसे मार के आटा और बना लेते हैं हम लोग। अभी मैगी तैयार हो रही है, आप लोग ने तो देखा, सब दिखाना ही है। देखो गाइस तो मैं कैसे आटा मार रहा हूँ, जैसा भी बनेगा आप लोग बताना कैसे मारते बन जाता है। मैं डालने वाला हूँ गाइस जीरा पानी। ये देखिए गाइस मैंने निकाला यहाँ से दही। मैं दही डालने जा रहा हूँ गाइस चाय में। सौरभ मैगी बनाने में लगा है, मैगी तो तैयार हो गई है ना, चाय बना रहा हूँ। इसमें चाय बना रहा हूँ, चाय में चाय भी, थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा दही। गाइस हमारी चाय दुनिया की बेस्ट चाय बनने वाली गाइस। तो गाइस बहुत मेहनत लग रही है यार। हाँ गर्मी मनीष मार दे, देखो कोई हेल्प नहीं कर रहा है मेरी गाइस। चाय की सबसे ज्यादा रोटी मेरे को खानी है क्या? कोई बात नहीं, अभी तो भाई रोटी सेकेगा कौन, बेलेगा कौन, मनीष सौरभ। तो गाइस देखो आटा थोड़ा सा गीला हो गया, इसको कर दिया जाए मेरे आटे से, इसको ये से रख दिया जाए। गाइस मैं चाय में धनिया डालने वाला हूँ गाइस, पहले नंबर तू गाइस चाय नहीं गाइस। चाय मैंने डाल दिया यहाँ तक कि छोटा सा फटाफट डाला।
गाइस और मैंने चाय में डाला गाइस बहुत तेज धनिया पत्ती डाली गाइस थोड़ी सी और गाइस मैं अदरक ढूंढा था अदरक तो मिला नहीं तो मैंने फटाई चीन को डाल दिया गाइस और गाइस मैं ढूंढ रहा था दूध दूध नहीं मिला गाइस मैंने पनीर डाल दिया पनीर डाल थोड़ा सा दही डाल दिया गाइस और अपना पुलाव तैयार गाइस ले लीजिए सब चाय देख सकते हैं गाइस मैंने किस टाइम आई गाइस गाइस चाय प्लीज ओके गाइस थैंक यू गाइस गाइस आप टेस्ट करें चाय का ये वीडियो में डाल दो पक्के में डाल दूंगा सौरभ की पालक पंखी वाला हाँ गाइस तो मुझे पसीना आ रहा है मैं चल के थोड़ा सा एसी में बैठता हूँ गाइस आइए गाइस देखिए एसी बहुत एक क्लास की लगवाई गाइस मैंने गाइस तो आते रहिए मेरे पीछे सॉरी गाइस ये अंदर जा रहा है सर अभी तो ऐसे सारा चीज माय ऐसे गाइस देखिए हां गाइस आज अगर आप ऐसी ऐसी के लिए गाइस ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप Flipkart पे जाएं और flipkart.com पर सर्च करें गाइस तो गाइस हाँ एसी की हवा ही कुछ और होती गाइस मैंने 3 दिन से मेहनत की गाइस और ये एसी देखी आज मेरे कमरे के अंदर है पहले बाहर थी गाइस पहले बहुत गर्मी थी गाइस तो गाइस खाना रेडी हो चुका है गाइस अब हम चलते हैं गाइस खाने का टेस्ट करने के लिए गाइस मैंने बनाया कुछ कद्दू का भरता बनाया गाइस कौन कौन खाएगा गाइस हाय गाइस तो आप सब जानते हैं कि मैंने आज कद्दू का भरता बनाया गाइस कद्दू का भरता बनाने के बाद मैंने आपके लिए एक अच्छी मीडियम साइज की भिंडी की चटनी बनाई गाइस क्या आप खाना चाहेंगे गाइस अगर खाना चाहेंगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कौन सा चैनल गाइस इंडियन कोई भी चैनल हो गाइस सब्सक्राइब कर दो कोई भी चैनल सब्सक्राइब करो गाइस सब सब्सक्राइब बेल का बेल आइकन बजाएं बेल आइकन की घंटी और लाइक और लाइक करें गाइस शेयर करें तो गाइस पसीना भी आ गया है देखो और मैंने आटा मार दिया ये हाथ भी अभी तक गंदे हैं अब बस रह गया है सौरभ का और मनीष का काम रोटी सेंकना और बेलना तो वो दोनों करेंगे मैंने तो अपना काम कर दिया आटा मार दिया जैसा भी बना मैंने मार दिया अब भाई मनीष करेंगे अब चलो भाई वाह गाइस रोटी मिल गई चमका ले आ गाइस ओके ये देखो अब मनीष और सौरभ दोनों करेंगे काम अपना रोटी सेकने का बेल लेगा अभी लोई बनानी पड़ेगी क्या मेरे को नहीं गाइस कुछ नहीं करना पड़ेगा ओके गाइस इसको ये मेरी चाय रखी अभी तक मैंने पी नहीं इसको रखे हूँ वो नीचे ओके गाइस चाय पसीना बहुत ज़्यादा आ गया मनीष मनीष इसको खोलना थोड़ा हो चमेटा कहाँ रखा था चमेटा यहाँ रखा होगा देखो हाँ रखा है यहाँ यहीं तो रखा रहता था सौरभ से पूछ लो चलिए भाई पसीना आ गया मैं हाथ धो लूँ हाथ धोने के बाद अब ये दोनों करेंगे अपना काम जो भी कर रहे हैं भाई फिर आराम से भाई हम लोग की मैगी पार्टी बढ़िया बैठ के खाएँगे तो ये गाइस देखो भाई अभी लोई बन रही है रोटी बन रही है यहाँ पास एक रोटी डली हुई है और ये मनीष भाई सेक रहा है देखो वाओ अच्छे से ये गाइस इतनी प्यारी गाइस तुम लोई बना लेते हो एक रेस्टोरेंट खोलना है ठीक है अपन को हाँ गाइस उसका नाम क्या रखेंगे उसका नाम रखेंगे मनीष नहीं क्योंकि अपने दम पे तो चल नहीं सकता आराम से ही चल सकता है तो गाइस अगर रोटी में कोई भी कमी हो गोल में तो बताएं गाइस इसके लिए रेड बटन दबाएं गाइस सौरभ कुछ बोल रहा है क्या बोल रहे थे तो अभी अच्छे से थोड़ी तेज से एक बार फिर से गाइस अगर हमारी रोटी गोल ना हो
कृपया लाइक करें सर, गोल करें रोटी को, गोल करें जब तक पागल कुछ चल रही है। वाओ यार मनीष, क्या रोटी फूल रही है। ट्रेंड कहाँ से हुआ था भाई मनीष? बहुत अच्छा लड़का है, बाहर ना भेज देते, बाहर मैंने इसलिए नहीं भेजा, देश को बर्बाद कर देता, जहाँ भी जाता हूँ बर्बाद हो जाता मालिक वहाँ का, है ना मनीष। तो गाइस देखो अभी रोटी बन रही, मैगी बन के रेडी हो गई, फिर भाई खाना स्टार्ट करेंगे, रोटी भी बन जाए। मनीष सौरभ लगे हुए हैं अब अपना काम करने, मैंने तो अपना कर ही दिया है। तो गाइस देखो हम लोग की भाई मैगी वैगी बन के रेडी हो गई है, हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। हेलो, ये देखो मनीष सौरभ और दुर्गेश और मैं, और ये रखी हुई है मैगी, देखो आप लोग बताओ कमेंट करके कैसी बनी है। नहीं मैं तो अभी भी हाथ धो के आया हूं, अब जो भी हम यहीं से ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। और जो भी है लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि भाई मेरा नई ब्लॉग आए तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक्चुअली हम एंड करते हैं, हम लोग मैगी खा लेते हैं, जैसा भी लगाओ भाई कमेंट कर ही देना और बताना कैसा है। ओके बाय बाय, लव यू।